शासन के निर्देश के बाद महीने के चौथे शनिवार को जनपद के सभी थाना पर संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के बाद से शनिवार को कैंट थाने पर दूसरी बार थाना दिवस आयोजित हुआ, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि शासन के द्वारा नई गाइडलाइन आई है कि प्रदेश के सभी थानों में द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाए, जिसके मद्देनज़र कैंट थाने में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए थाना दिवस लगाया गया। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि थाना दिवस में रोजाना की तरह मामला आया, थाना दिवस से संबंधित कोई मामला नहीं आया, अगर कोई मामला आएगा तो राजस्व की टीम के साथ मिलकर उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। इस मौके पर कैंट थाना प्रभारी मनोज कुमार राय, एसएसआई प्रवीण कुमार, उप निरीक्षक इत्यानंद पांडे, झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 के लेखपाल आशुतोष द्विवेदी, मुन्ना प्रसाद और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, राजेश रूमता के दुकान में नीचे वहाँ अरे हम यहाँ आए नहीं कटे अभी हम आए थे विजयनगर जैसा ही हम गए हम बोले आप क्या करना है बोले ये बैल चलिए ठीक है आज जो नए रोस्टर के अनुसार से द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को जो थाना दिवस का आयोजन होना है उसके संदर्भ में आज थाना दिवस का आयोजन हो रहा है। अभी तक कोई इस तरीके का जो थाना दिवस संबंधित मामला उसका मामला नहीं आया है। बाकी थाने में जो रेगुलर समस्या वाले हैं लोग आ रहे हैं, टीम बैठी हुई है, अगर उस तरह का मामला आएगा तो उनका कोशिश होगी जल्दी से जल्दी उनका समाधान कराया जाए, अगर तत्काल होने वाला होगा तत्काल समाधान कराया जाए, अदरवाइज टीम तत्काल भेज के उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।